ने कर दिखाया कमाल, सल्तनत को साथ ले जाने में कायनात हुई कामयाब। यूमी और टीवी सीरियल सूफियाना प्यार मेरा के सेट पर पहुंच गया है, जहां कायनात का प्लान आज सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए कायनात ने आज फिर एक नया रूप धर लिया है, तभी तो मोहतरमा को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया है। वेल, जारून का प्यार पाना कायनात के लिए इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, तभी तो मैडम को कभी मैच मेकर तो कभी मैन लुक में आना पड़ रहा है। प्यार में ऐसे होता है, प्यार अगर जुनून में बदल जाए तो इंसान किसी भी हद तक जाता है। तो जारून को पाने के लिए कायनात कुछ भी कर सकती है, लड़का भी बन सकती है, भूत भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। सल्तनत को देखकर तो यही लगता है कि आज उनकी किस्मत खुद उन्हें कायनात से मिलवाना चाहती है। तभी तो सल्तनत खुद ब खुद चलकर यहाँ आ गई है, जहाँ कायनात पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। हमेशा की तरह आज फिर कायनात सल्तनत पर हावी पड़ गई है। मैडम सल्तनत को बेहोश करने में कामयाब हो गई हैं। वेल, कायनात काफ़ी पापड़ बेलने के बाद फाइनली आज आपको आपका शिकार मिल ही गया है, तो आप ही बता दीजिए कि आपको अपनी मेहनत का फल पाकर कैसा लग रहा है। हाँ, मुझे सल्तनत मिल गई है और मैं उसको लेके जा रही हूँ। अब देखती हूँ मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल होती हूँ कि नहीं। सल्तनत के बेहोश होते ही बिना देर किए कायनात तुरंत ही अगला कदम उठाती है और मैडम सल्तनत को अपने साथ ले जाने में पूरी तरह कामयाब हो गई है। बेचारी सल्तनत को देखकर तो यही लगता है कि अब इन पर एक और नई मुसीबत आने वाली है। वैसे कायनात, आपका शर्मा हाउस में आना सफल हो गया है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? उसके घर गई और पता किया कि घर में कौन कौन रहता है, क्या करते हैं, ऐसी भेष बदल के गई, लड़का बन के गई और पता कर लिया और फिर जाके किडनैप कर लिया शाम मंजिल से उसको। वेल, आप मासूम सल्तनत को तो किडनैप करने में कामयाब हो गई हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सल्तनत अपनी याददाश्त खो चुकी है। खैर, जो भी हो, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है। तारुण और मेरे बीच जो आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगी, तो अगर उसमें कोई भी हो वो इंसान। वेल, सल्तनत आज एक बार फिर कायनात के चंगुल में फंस गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सच्चाई जानने के लिए कायनात सल्तनत के साथ क्या क्या करती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।